दानव जलाकोटी की मांस की तलाश में गोगो और जग्गा जंगली पेड़ों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पेड़ पकड़ लेते हैं। जंगली पेड़ उनसे कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे शक्ति पुंज और कमलम फूल ला कर दो। वो जिसके पास होगा वो पेड़ जंगल पर राज करेगा। कमलम फूल जंगली घाटी में मिलेगा और शक्ति पुंज पहाड़ी जगह पर मिलेगा। लेकिन वहां जाने के लिए दो लोगों की जरूरत होगी। एक ही व्यक्ति दोनों चीज को हासिल नहीं कर सकता, और पेड़ गोगो और जग्गा दोनों को जाने दे नहीं सकता। तभी गोगो के पास से मांस नीचे गिरता है। गोगो मांस से कहता है कि उन्हें पेड़ से बचा ले, तो मांस उनसे एक पहेली पूछता है। बचपन और जवानी है मेरी हरी भरी, बुढ़ापा है मेरा लाल, जवानी में सबको नाच नचाती, लेकिन बुढ़ापे में भी मचाऊ धमाल। क्या है ये चीज? गोगो सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? इसका जवाब है मिर्ची। गोगो इसका जवाब दे देता है। मेरी शक्तियां अभी पूरी नहीं है, मैं पेड़ से तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, लेकिन मैं धमाका सिंह को यहाँ लेके आ सकता हूँ। तेज हवा चलती है, चारों तरफ काला धुआं हो जाता है और धमाका सिंह वहां पहुंच जाता है। पेड़ कमलम फूल और शक्तिपुंज तक पहुंचने के लिए दोनों को एक नक्शा देता है और कहता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे पीछे का रास्ता बदलता जाएगा। कमलम फूल और शक्तिपुंज मिलते ही मुझे याद करना, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। जग्गा मेरे पास रहेगा। गोगो रास्ता ए लेता है और धमाका सिंह रास्ता बी लेता है। क्या आप इस नक्शे को देख के बता सकते हैं गोगो को क्या मिलेगा, शक्तिपुंज या कमलम फूल? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गोगो को कमलम फूल मिलेगा और धमाका सिंह को शक्ति पुंज मिलेगा। दूसरी तरफ कुशल और किम निशांची की के साथ जादुई दरवाजों की दुनिया में है। निशांची की को मैप पे रखते ही वो किसी का भी लोकेशन बता सकती है। कुशल उसकी मदद से समझ जाता है कि गोगो जादुई पेड़ों की दुनिया में है। कुशल जादुई पेड़ों की दुनिया में जाने का सोचता है, लेकिन किम कहती है कि हमें उल्टी पुल्टी दुनिया में जाके दूसरी की हासिल करना चाहिए। उनके सोचते ही सामने काला धुआं आ जाता है और उनके सामने चार दरवाजे आ जाते हैं। अब इनमें से एक दरवाजा उनको दरवाजों की दुनिया से आजादी देगा और उल्टी पुल्टी दुनिया में पहुंचा देगा। सोचिए और मुझे बताएं कौन सा दरवाजा लेना चाहिए कुशल और किम को। सामने उल्टी पुल्टी दुनिया है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। डोर 4 में वेलकम उल्टा लिखा हुआ है। उसको मिरर में देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा, बाकी डोज में सब सीधा लिखा हुआ है। कुशल और किम ये दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। अब इनमें से एक रास्ता सही है और एक रास्ता गलत है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोनों समझ जाते हैं कि ये उल्टी पुल्टी दुनिया है, मतलब सही सही नहीं होगा, सब उल्टा पुल्टा होगा। मतलब रास्ता भी सही है जहां लावा बह रहा है। दोनों वो रास्ता लेते हैं और लावा पे चलते हुए रास्ता पार कर लेते हैं। वहीं गोगो कमलम फूल की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसे एक पेड़ जकड़ लेता है। उसे पेड़ खाने ही वाला होता है कि गोगो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कमलम फूल ला के दूंगा। ये सुन पेड़ बहुत खुश हो जाता है और गोगो को छोड़ देता है। ऐसे ही गोगो रास्ते के हर पेड़ को बोल के आगे निकलता जाता है। थोड़ी देर में गोगो जंगली घाटियों में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल है और कई फूल एक जैसे हैं। अब इन फूलों में गोगो को कैसे समझेगा कि कमलम का फूल कौन सा है? गोगो जलाकुटी का मास्क बाहर निकालता है और मास्क से ये सवाल करता है, तो मास्क उससे एक पहेली पूछता है। बताओ, एक पेड़ पे 5 पक्षी बैठे हुए हैं। अब उनमें से 2 पक्षी ने उड़ने का फैसला किया, तो पेड़ पे कितने पक्षी बचे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पक्षियों ने उड़ने का फैसला किया है, उड़े नहीं है तो पेड़ पे 5 पक्षी ही होंगे। गोगो इसका जवाब दे देता है। गोगो के जवाब देते ही एक जादू होता है और गोगो के सामने कमलम फूल आ जाता है। गोगो कमलम फूल को हाथ में लेते से धमाका सिंह को याद करता है और गोगो वहां से गायब हो जाता है।
दूसरी तरफ धमाका सिंह पहाड़ों में नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, जहां उसे स्टोन्स का ब्रिज मिलता है। धमाका सिंह स्टोन्स 1, 3, 7, 13, 21 पे जंप कर लेता है। आगे उसे सही स्टोन पे जंप करना है। उसके सामने स्टोन्स 29, 31 और 33 है। सोचिए और मुझे बताइए कौन से स्टोन पे जंप करना चाहिए धमाका सिंह को। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 3 और 1 के बीच में है 2, 7 और 3 के बीच में है 4, 13 और 7 के बीच में है 6, 21 और 13 के बीच में है 8। मतलब डिफरेंस 2-2 से बढ़ रहा है। तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 10, तो 21 + 10 हो जाएगा 31। धमाका सिंह 31 स्टोन पे जंप करता है और ब्रिज पार कर लेता है। धमाका सिंह को भूख लग जाती है। उसे पास में 3 पौधे दिखते हैं जिन पर फ्रूट्स लगे होते हैं। क्या आप तीनों फ्रूट्स को देख के बता सकते हैं उसे कौन सा फ्रूट खाना चाहिए? ए बी या सी, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले वाले फ्रूट के नीचे देखिए कीड़े मरे हुए हैं। हो सकता है ये फ्रूट खाके हुए हो, फ्रूट जहरीला हो। तीसरा वाला एक सूखे पौधे में है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये भी सही नहीं है। दूसरा वाला फ्रूट सही होगा। धमाका सिंह फ्रूट उठाता है और खा लेता है। उसके फ्रूट खाते ही एक पेड़ की जड़ आती है और उसे जकड़ लेती है। तुमने हमारे जंगल का फ्रूट क्यों खाया? और फिर पेड़ उसे गुस्से में उठा के जोरों से दूर फेंक देता है। धमाका सिंह उड़ते हुए एक पेड़ की डंगाल पर जाके लटक जाता है, जहां उसे शक्तिपुंज मिल जाता है। धमाका सिंह शक्तिपुंज लेके नीचे उतर जाता है और तभी वहां पे गोगो भी पहुंच जाता है। गोगो कमलम फूल और शक्तिपुंज दोनों मास्क को दे देता है और मास्क कमलम फूल और शक्तिपुंज दोनों को खा लेता है। मेरी शक्तियां वापस आ रही है, धन्यवाद गोगो, अब मैं उस पेड़ से लड़ सकता हूँ। मास्क गोगो और धमाका सिंह को लेके पेड़ के पास पहुंच जाता है। उनके वहां पहुंचते ही वहां काला धुआं आता है और पेड़ के पास से जगह भी छूट जाता है और फिर मास्क तीनों को लेके वहां से गायब हो जाता है। कुशल और किम को सामने मिरर्स दिखते हैं और सारे मिरर्स में कुशल के रिफ्लेक्शन रहते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही मिरर को तोड़ना होगा। क्या आप देख के बता सकते हैं कौन सा मिरर सही है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीसरा मिरर गलत है, उसपे कुशल का रिफ्लेक्शन रॉन्ग आ रहा है और ये उल्टी पुल्टी दुनिया है, मतलब तीसरा मिरर ही सही है। कुशल वो मिरर तोड़ देता है तो उसके सामने के सारे मिरर गायब हो जाते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने सूरज डूबता हुआ दिखता है। किम कुशल से कहती है, हमें सूरज डूबने से पहले उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलना होगा, यहाँ रहना सेफ नहीं होगा। अब नक्शे के हिसाब से उन्हें नॉर्थ में जाना है। क्या आप सोच के बता सकते हैं नॉर्थ के लिए कुशल और किम को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, राइट या लेफ्ट? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये उल्टी पुल्टी दुनिया है तो सन वेस्ट में नहीं ईस्ट में डूबेगा, मतलब सामने वेस्ट नहीं ईस्ट है, और नॉर्थ हमेशा ईस्ट के लेफ्ट में होता है। तो कुशल और किम को लेफ्ट लेना चाहिए। दोनों लेफ्ट लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों को सूरज डूबने से पहले उल्टी पुल्टी दुनिया से बाहर निकलना होगा, लेकिन क्या वो निकल पाएंगे? और गोगो जग्गा और धमाका सिंह अब कौन सी दुनिया में गए हैं, हम ये सब देखेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।